उसका उसकी वो जो संख्या जो है लंबित वारंट और पुष्टि की वो भी अब बहुत कम आ गई है, पहले से कंट्रोल है। सर सूचना आ रही है आज भी कोई गिरफ्तारी हुई है आपसे मिले? ये कल रात्रि की घटना है, ये इसमें एक गाड़ी की चेकिंग करें, उनसे भी आग्रह अपने मीडिया के बंधुओं के माध्यम से करेंगे कि वो आएं और इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। जो नए वोटर्स हैं उनके लिए क्या आग्रह है? नहीं बिल्कुल, सभी जो नए वोटर्स हैं आप सब लोग जानते हैं कि लगभग जो है 900% की वृद्धि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अवधि में देखी गई है। जो नए वोट लोकसभा चुनाव के लेके बक्सर जिला हाई अलर्ट, संयुक्त रूप से एसपी या डीएम के भइल प्रेस वार्ता, कहिया बटुए नामांकन के तिथि, कब नाम वापस ले सकेला आदमी, कब गिनती होई सब बताई भोजपुरिया समाचार, का नियम बटुए उहो बताई भोजपुरिया समाचार, एसपीडीएम के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली, देखला के बाद शेयर जरूर करी ताकि सब कोई भी खबर जरूर पहुंचे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी बक्सर अंशुल अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक बक्सर मनीष कुमार के द्वारा समरणालय परिसर अवस्थित सभागार में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कैल गए। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्रांक ECI/PN/23/2024 के द्वारा 18वां लोकसभा चुनाव के घोषणा पे प्रेस नोट जारी करके दिनांक 16 मार्च के क दिहल गई। आयोग के द्वारा प्रेस नोट जारी कैला जाए के साथ ही संपूर्ण जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई बा। सब जिला अनुमंडल प्रखंड स्तरीय कार्यालय प्रधान के आदर्श आचार संहिता के सख्ती से अनुपालन खातिर विधि सम्मत कार्रवाई कैल जाए के निर्देश दे दिहल गेल बटुए। बक्सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के जवन कार्यक्रम हुई उ यह प्रकार से बा, ध्यान से सुनिए। अधिसूचना जारी होके के तिथि रही 7/5/2024, नाम निर्देशन पत्र दाखिला करे के अंतिम तिथि 14/5/2024, नाम निर्देशन पत्र के संवीक्षा के तिथि 15/5/2024, अभ्यर्थी वापस लेवे के अंतिम तिथि 17/5/2024, मतदान के तिथि 1/6/2024 आ मतगणना के तिथि 4/6/2024 आ तिथि जरा पूर्व निर्वाचन के प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए 6/6/2024 निर्धारित बटू, यानी कि यह दिन रिजल्ट आ जाए। 33वां बक्सर लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्र आ मतदाता के संख्या जान ली कि जिला में मतदान केंद्र कितना बा, मतदाता कितना बने। जिला में कुल मतदान केंद्र के संख्या 1940 हुई, PSL मतदान केंद्र भवन 1445 हुई। पुरुष निर्वाचक के संख्या जौन बाद लगभग 10,02,038 बा, महिला के 9,14,026 बा आ तृतीय लिंग यानी ट्रांसजेंडर के संख्या 17 बा। साथे साथ 18 से 19 आयु वर्ग के निर्वाचक के संख्या माने युवा वर्ग के संख्या 26,595 बा। बक्सर जिला के लिंग अनुपात 1,000 लड़का पर 910 गो लड़की बाड़ी। बक्सर जिला अंतर्गत 4 विधानसभा के अनुसार सेक्टर पदाधिकारी के संख्या 188 रही। बक्सर जिला अंतर्गत विधानसभा के अनुसार चयनित 4 डिस्पैच सेंटर के नाम ब्रह्मपुर डीके कॉलेज डुमराव, 200 बक्सर मध्य उच्च विद्यालय चुरामनपुर बक्सर, 201 डुमराव, 2 राज हाई स्कूल डुमराव, 202 राजपुर अनुसूचित जाति उत्क्रमित उच्च विद्यालय बैरी इटाढ़ी। बयान सुनी शेयर करी। पुलिस की तैयारी पहले से चल रही थी और भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हम लोग कृतसंकल्प हैं। हमारी तैयारी पहले से चल रही है, एंटी सोशल एलिमेंट्स को चिन्हित करके हम लोगों ने कार्रवाई पहले से शुरू की है और लगभग 6,000 लोगों के विरुद्ध हम लोगों ने निरोधात्मक कार्रवाई कर दी है। साथ ही लगभग 60 लोगों के विरुद्ध CCA3 की कार्रवाई की गई है। हम लोगों का चेक पोस्ट जो है वो सब ऑपरेशनल हो गया है, सब जगह हमारी चेकिंग चल रही है। चेकिंग के दौरान हम लोगों को कभी हथियार या कंट्राबैंड वगैरह की रिकवरी भी हो रही है। गिरफ्तारियां हम लोग की लगातार चल रही हैं,
और हमारा जो वारंट और कुर्की का निष्पादन है उस पर भी हम लोगों ने बहुत काम किया है और उसका उसकी वो जो संख्या जो है लंबित वारंट और कुर्की की वो भी अब बहुत कम आ गई है, वेल अंडर कंट्रोल है। सर सूचना आज भी कोई गिरफ्तारी हुई है आपसे मिले? ये कल रात्रि की घटना है, ये इसमें एक गाड़ी की चेकिंग के दौरान उसमें हथियार मिले थे, चार वेपन मिले थे जिसमें दो का लाइसेंस उन लोगों ने प्रोड्यूस किया और दो अपेरेंटली मतलब ये लग रहा है कि वो दो कंट्री मेड हैं और इलीगल है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, लीगल एक्शन लिया गया, चार लोगों का को डिटेन किया गया, चार या पाँच लोग हैं। सर बक्सर का करीब 50 से 55 किलोमीटर का पालन कराएगी और पूरे चुनाव को संपन्न कराएगी? देखिए पुलिस प्रशासन तो पहले से कार्य कर रही है लेकिन घोषणा के बाद हम लोग और भी सजगता से काम करेंगे और जो भी हमारा प्रोविजंस है लीगल प्रोविजंस उसके अनुसार काम होगा। ठीक है, उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए कोई विशेष तैयारी? हम लोग लगातार हम लोगों ने ड्राइव चलाया हुआ है, हम लोगों ने वारंटीज़ के खिलाफ ड्राइव चलाया हुआ है, हम लोगों ने लीकर के खिलाफ ड्राइव चलाया हुआ है, हम लोगों ने इलीगल वेपन्स के खिलाफ चलाया हुआ है और टोल फ्री नंबर नहीं, ये हम लोगों ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है टेक्निकल यूनिट का जिस पर हमको आसूचना मिलती है, जिसका सत्यापन हम लोग करते हैं। इसका लाभ ये हो रहा है कि हर आसूचना के सत्यापन की वजह से कुछ आसूचना उसमें सही नहीं निकलती, कुछ सही निकलती है, हमको आसूचनाएँ मिल रही हैं जिसकी वजह से हमारा जो इलीगल वेपन का की रिकवरी की है वो पिछले साल से काफ़ी बढ़ी है। लास्ट ईयर लगभग पूरे साल में हम लोगों ने 45 इलीगल वेपन रिकवर किए थे, इस साल लगभग हमारी संख्या अभी 25 तक हम लोग पहुँच गए, तो उसका असर देखिए। जो अपराधी हैं वो शरण लेते हैं, छिपते भी हैं, वहाँ से आने जाने का रास्ता भी सुगम होता है, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए बगल के जिलों से बलिया और गाजीपुर दोनों के जिलों के पुलिस पदाधिकारियों से हम लोग का समन्वय है, हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं और दोनों तरफ से लगातार चेकिंग चलती रहती है, चेक पॉइंट्स हमारे यहाँ भी बने हैं, उनके यहाँ भी बने हैं, तो हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि जिसमें हमारे चेक पॉइंट पे चेकिंग हो रही हो, उनका चेक पॉइंट जो है उससे कहीं अलग हट के वहाँ चेकिंग करें ताकि पूरा बॉर्डर हमारा सील्ड रहे। नदी पे भी हम लोग नज़र रख रहे हैं लगातार, दिन में भी रात में भी नज़र रख रहे हैं, एक दियर में हमारा कैंप खुला है उसके ज़रिए भी हम नदी के रास्ते पे या दियारा क्षेत्र पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं। सर चुनाव की बात दिया गया सर? नहीं बिल्कुल, आज जो है प्रेस के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की जाती है वो जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित की गई है। 16 मार्च से ही भारत निर्वाचन आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके उपरांत पूरे देश भर में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, इस चीज़ की सूचना सभी राजनीतिक दलों को भी दे दी गई है और प्रेस के साथ भी ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें विभिन्न तरह के जो सवाल प्रेस के बंधुओं के द्वारा पूछे गए उनका भी जवाब दिया गया है और इसके आलोक में ब्रीफिंग सभी प्रेस के बंधुओं को भी दे दी गई है। सर आपके द्वारा क्या निर्देश है क्योंकि आचार संहिता जिले में भी लग गई है सर, तो क्या कुछ आपको? नहीं बिल्कुल, देखिए भारत निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार से कैलेंडर निर्धारित किया है तो 7 मई को बक्सर लोकसभा क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया, नामांकन विड्रॉल की प्रक्रिया होने के बाद 1 जून को बक्सर लोकसभा क्षेत्र में जो है मतदान की प्रक्रिया निर्धारित है, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण कर ली गई है। हम लोग आश्वस्त और प्रतिबद्ध हैं कि बक्सर लोकसभा जो क्षेत्र का निर्वाचन है वो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में हम लोग संपन्न कराएंगे, इसके लिए जिला स्तर पर विभिन्न कोषांगों का गठन कर लिया गया है, 188 सेक्टर जो पदाधिकारी हैं और पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति कर ली गई है और सभी हमारे ERO और AERO अब फील्ड पर हैं और इसके अतिरिक्त FST जो फ्लाइंग स्क्वाड की हमारी टीमें हैं और स्टैटिक सर्विलेंस की जो टीमें हैं सभी अब क्षेत्र में जाकर कार्य करने लग गई हैं और अभी आप लोग देख भी रहे हैं कि सभी जो हमारे अधिकारी हैं वो डिफेसमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई भी कर रहे हैं जिसमें सभी सरकारी कार्यालयों में और सार्वजनिक स्थलों पर जितने भी पोस्टर बैनर इत्यादि हैं उनको हम लोग हटा भी रहे हैं। सर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, जिला प्रशासन के द्वारा तमाम ऐसी तैयारियां और व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिससे जो वोटिंग प्रतिशत है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हो। हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि कम से कम 70% का जो लक्ष्य है हम लोग हासिल करेंगे, इसके लिए सभी बूथों पर अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ के तहत हम लोग शेड की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था करवाएंगे ताकि जो हमारे मतदाता हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और इसके अलावा बृहद पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, इसकी शुरुआत भी की जा चुकी है। हम लोग विशेषकर सभी जो हमारे दिव्यांगजन मतदाता हैं, जो हमारे युवा मतदाता हैं, महिला मतदाता हैं, उनसे भी आग्रह अपने मीडिया के बंधुओं के माध्यम से करेंगे कि वो आएं और इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। जो नए वोटर्स हैं उनके लिए क्या? नहीं बिल्कुल, सभी जो नए वोटर्स हैं आप सब लोग जानते हैं कि
लगभग जो है 900% की वृद्धि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अवधि में देखी गई है, जो नए वोटर्स को जिस तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा जोड़ा गया है। मेरा सभी से आग्रह है विनम्रतापूर्वक कि मतलब जो है आगे भविष्य को देखते हुए अपने मताधिकार का उपयोग अनिवार्य रूप से सभी हमारे युवा मतदाता करें। और जो सब पुराने जो 85 साल से ज़्यादा के वोटर्स हैं उनके लिए क्या? जी बिल्कुल, 85 वर्ष से ऊपर के जो वोटर्स हैं उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं। उनको घर बैठे अपने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मताधिकार का उपयोग करने के लिए सहूलियत और अनुमति दी गई है। इसके अलावा जो हमारे दिव्यांगजन मतदाता हैं, जो 40% से अधिक दिव्यांगजन हैं, उनको भी घर बैठे पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सहूलियत भी दी गई है और उसके लिए प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। सर, सिंगल विंडो काउंटर की बात आपने कही कि राजनीतिक दल एक जगह से वो कब से शुरू हो जाएगा? नहीं बिल्कुल, वो आप लोग देखेंगे कि इट इज़ ऑपरेशनल। जैसे ही आदर्श आचार संहिता प्रभाव में होती है तो सिंगल विंडो जो है हमारा सेल क्रियाशील हो जाता है और एक ही जो है केंद्र से सभी राजनीतिक दलों को सभी प्रकार की अनुमतियां मिल जाए और अतिशीघ्र हम लोग उपलब्ध करा दें, इसके लिए हम लोग प्रयास बिल्कुल करते हैं। और सुविधा पोर्टल भी इसके लिए जो है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विकसित किया गया है। आचार संहिता का उल्लंघन जो करेगा सर, कितनी सख्ती से प्रशासन उनसे निपटेगी? सर नहीं बिल्कुल, आदर्श आचार संहिता जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसका सभी को पालन करना एकदम अनिवार्य है और जो भी इसका उल्लंघन करता है उसके विरुद्ध जिला प्रशासन के द्वारा जो हमारा RP एक्ट भी है उसकी सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, सी विजिल ऐप के बारे में पहले भी ये कार्य कर रहा था तो क्या उसी ऐप को फिर से डाउनलोड कर लेंगे लोग? नहीं बिल्कुल, ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सी विजिल ऐप बनाया गया है और जो है शांतिपूर्ण निष्पक्ष पारदर्शी निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण टूल है। यदि किसी भी नागरिक को लगता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन उसके मतलब जो है क्षेत्र में या कहीं भी हो रहा है तो उसका वीडियो बना के फोटो उसकी खींच के वो सी विजिल ऐप पे अपलोड कर देता है और हमारे जो अधिकारी हैं वो उसकी त्वरित जो है निष्पादन और कार्रवाई के लिए वहां पर जाते हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गॉडग्रेस CBSE स्कूल चौगाई नर्सरी से 10 तक।